जुड़े हैं चॉइस ब्रोकिंग से, उनसे बातचीत करेंगे और समित चौहान भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। इन सभी से बातचीत करके ये जानेंगे कि समय इंडेक्स में आखिरकार करना क्या है, इनके पसंदीदा शेयर भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले मार्केट में कहां कहां पे शॉर्ट कवरिंग आ रही है या फ्रेश बाइंग हो रही है, जरा एक बार उसका लेखा जोखा यानी कि जरा चेक कर लें। उसमें आपको देखना होगा एनएससी के गेनर्स यानी कि निफ्टी के गेनर्स, साथ ही निफ्टी के लूजर्स, वो आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस मार्केट की शो करेंगे। बढ़ने वाले वैसे आज 34 शेयर बढ़कर कामकाज कर रहे हैं, मेजोरिटी हिस्सा बढ़त के साथ ही है। उसमें एक्सिस बैंक और आईसीआईसी बैंक ये दोनों तेज हैं, क्योंकि येस बैंक की प्रॉब्लम, इन दोनों के लिए गेन है। एचपीसीएल पे इसलिए तेजी आई है 3%, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान आया है उससे ऐसा लग रहा है कि शायद कच्चे तेल के दाम जल्दबाजी में $80 के ऊपर नहीं पहुंचे, और ये काफी हद तक इन कंपनीज ने अपने प्राइस बढ़ोतरी के साथ डिस्काउंट भी किया हुआ है। हर दिन 14 पैसे 15 पैसे की बढ़ोतरी के साथ इन्होंने काफी हद तक अपने अंडर रिकवरीज को खत्म भी किया है। भारती इंफ्राटेल आज ये करीब 2.5% ऊपर है, क्योंकि हो सकता है टावर की कॉस्टिंग में थोड़ा बहुत फर्क आए, जो कि इनके प्रोडक्ट के तौर पर भी है, नए इनोवेशन हो रही है। आज ही हमने एक इनोवेशन के बारे में भी जाना, भारतीय एयरटेल के बारे में। टेलीकॉम कंपनीज का एक्सपेंशन इस इनोवेशन के साथ तेजी से आगे बढ़ेगा। मेटल्स में शंघाई मार्केट के अंदर दाम तेजी से नहीं टूटे बल्कि सपोर्ट मिली, चाहे वो एल्यूमिनियम है, फेरस या नॉन फेरस या फिर स्टील हो। इसलिए आज स्टील और एल्यूमिनियम दोनों के शेयर हमको बढ़ते हुए दिख रहे हैं। उसमें से हिंडाल्को आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। बैंकिंग में सुधार है थोड़ा बहुत, लेकिन आज का रियल कल्प्रिट तो येस बैंक है। राणा कपूर को एक्सटेंशन ना मिलना इस शेयर की एक्सटेंशन को भी खत्म कर रहा है। 21% अभी भी नीचे है, 30% का गोटा लगा दिया था, आज निफ्टी का टॉप लूजर बना। इसके अलावा इंडियाबुल हाउसिंग, यूनिलीवर, सनफार्मा और बजाज फिनसर्व ये आज के टॉप लूजर्स हैं, जो इस समय दिन के निचले स्तरों पर आके कर रहे हैं कामकाज। आगे बढ़ते हैं, समित चौहान है हमारे साथ, उनसे जरा इंडेक्स का व्यू लेते हैं। समित, देखिए हमारे लिए मार्केट में बढ़ने गिरने वाले शेयर हमेशा रहेंगे, कुछ ना कुछ इंडेक्स को मैनेज करने वाले, लेकिन जो दो प्रॉब्लम जिससे हम जूझ रहे थे, आपको लग रहा है कि एक मिनट के लिए या एक बार के लिए वो दोनों प्रॉब्लम्स अभी उतनी मुश्किल खड़ी नहीं करेंगे? एक है क्रूड और दूसरा है करेंसी। अगर ये नहीं खड़ी करने वाले हैं तो बाजार के अंदर पुल बैक कम से कम 11,400 तक का मान के चले आ जाएगा या आ सकता है? देखिए डिम्पी, दोनों में भी हमें रिस्पाइट तो मिला है, बट उसके बावजूद दोनों जो जैसे स्ट्रेंथ दिखनी चाहिए थी वैसे तो नहीं दिख रही, वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमने गैप अप ओपनिंग देखे, इनिशियल आवर्स में एक अच्छा एक सर्ज देखा था मार्केट में और 11,350 के आसपास निफ्टी चल रहा था, तो मॉर्निंग सेशन में भी हमारा यही मानना था अगर आपको थोड़ी बहुत गैप अप ओपनिंग मिलती है तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, वहां से इमीडिएट एक मूव्स वो तो हो गई है, बट मार्केट अभी भी ऊपर की तरफ टिक नहीं पा रहा है, ब्रॉडर मार्केट में अभी भी थोड़ा डिस्ट्रक्शन दिख रहा है। बट बायस देखे तो अभी भी हमारा पॉजिटिव है, तो यहां पे ज्यादा बड़ा हम स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे, 11,238 का एक स्टॉप लॉस होगा। आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक बैंकिंग में अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, तो हमें लगता है कि ओवरऑल बैंक निफ्टी में भी एक स्ट्रेंथ आ सकता है, तो फिलहाल अगर निफ्टी में चांस लेना है पॉजिटिव बायस से ट्रेड करेंगे, ऊपर की तरफ एक उछाल 11,380 के ऊपर होगा, बट उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात होगी आज का क्लोजिंग 11,320 के ऊपर आना काफी इम्पॉर्टेंट रहेगा। 320 पे आने के लिए निफ्टी को यहां से 40 पॉइंट और चलना पड़ेगा, यानी कि जो 48 अंकों की बढ़त है उसमें 40 पॉइंट और जोड़ के करीब 80 अंकों की बढ़त निफ्टी में कम से कम आज दिखानी होगी। अगर ये दिखा देगा तो ये समझा जाएगा कि जो इम्पोर्टेंट पड़ाव है बाजार का, जहां से आप शॉर्ट कवरिंग और समझ सकते आएगी, उस लेवल पे हम आके क्लोज करके गए हैं। 380 होगा टारगेट यहां से, यानी कि 320 से 380 के भी 60 पॉइंट की गुंजाइश है। यहां से अगर कैलकुलेशन की जाए तो कम से कम 100 पॉइंट निफ्टी चल सकता है और जाने के लिए सिर्फ हमारे पास 40 पॉइंट है, तो रिस्क रिवॉर्ड आपके सामने है। करीब करीब 1:2.5 का रिस्क रिवॉर्ड है, 1 के बदले 2.5% आपको मूव आ जाएगा। आप एक बार देखिए निफ्टी के अंदर बायस तो ठीक है, बट इंपॉर्टेंट ज्यादा वॉल्यूम, ज्यादा कन्विक्शन आपको 320 के ऊपर मिलेगा। अभी ये जद्दोजहद चल सकती है, ये जद्दोजहद 320-380 के टारगेट के लिए होगी फिलहाल, और 11,238 का एक स्टॉप लॉस है। बैंक निफ्टी के बारे में पता कर लें एक बार, उसके फिर स्टॉक्स पे आ जाएंगे सीधा। तो समित, बैंक निफ्टी में क्या करना है? ये बैंक निफ्टी भी उसके 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही ऊपर ही ट्रेड हो रहा है थोड़ा बहुत, अगर हम देखें तो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 26,200-26,100 के रेंज में, वहां से दो दिनों से हम अगर लो देखेंगे तो प्रिसाइसली उसके आसपास ही है, और आईसीआईसी बैंक एक्सिस बैंक की स्ट्रेंथ देख के हमें लग रहा है एचडीएफसी बैंक 200 डे एवरेज के आसपास है, तो वहां से एक पॉसिबल एक रिस्पाइट मार्केट को मिल सकता है, हालांकि अभी तक वो साइन नहीं दिख रहा है,
बट हम वो एंटीसिपेट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड वाइज छोटा स्टॉप लॉस बैठ रहा है, तो 26230 के स्टॉप लॉस से बाय करने की सलाह होगी फॉर अ टारगेट ऑफ 26500 और 26700। ठीक है, 26700 26380 का ये है स्टॉप लॉस, हालांकि भी स्पॉट पे हम उसके नीचे आ गए हैं लेकिन अभी भी प्रीमियम है। तो समित, एक बार अगर आपको स्टॉप लॉस में चेंजेस करना चाहें तो कर भी सकते हैं क्योंकि थोड़ा मार्केट नीचे भी आया इन बिटवीन। देखिए स्टॉप लॉस यहाँ पे 26230 का होगा। ठीक है, 26230 कर लीजिए सीधा 380 से, क्योंकि ये स्पॉट के हिसाब से था, स्पॉट के हिसाब से उसके नीचे आके ट्रेड कर रहा है इस समय निफ्टी, इसलिए इसको हम चेंज करते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो वायदा और शॉर्ट के लेवल से। ये 26230 का स्टॉप लॉस है, 26700 तक का टारगेट है। देखिए स्विंग बड़े हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज आपने गैप के साथ निफ्टी का ओपन किया, कल ऑलमोस्ट हम थोड़ी सी रिकवरी तो दिखा रहे थे साइन में लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं था, तो इसलिए जब जब भी गैप आएगा ना तो आपको 200 पॉइंट का गेन और ऊपर नीचे तो वैसे ही निफ्टी करेगा, इसलिए उसको भी एडजस्ट करना जरूरी है। आपको पूरी तरह से आइडिया होना चाहिए, जैसे आप निफ्टी में भी आप देख पा रहे हैं आज गैप के साथ खुला, उसके बाद उसको मेंटेन ना कर पाना वो एक अलग प्रॉब्लम है, बट गैप के साथ खुलने से आपको जो शुरुआती गेन में है ना वो आपको मिल जाता है। इस फिलहाल अब ये मान के चलें कि बैंक निफ्टी के अंदर जब तक 230 का लेवल हम नहीं तोड़ते तब तक शायद एक बार हम बने रहेंगे, लेकिन इन बिटवीन मार्केट थोड़ा तेजी से नीचे आ रहा है, यूरोपियन बाजार भी खुले हैं, एक बार जरा उसकी भी कैलकुलेशंस देख लेते हैं क्योंकि यहीं से एक्चुअली होता प्रॉब्लम क्या है ना, पिछले तीन दिन से आप नोटिस भी कर रहे होंगे दोपहर 12 बजे तक मार्केट को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आपने जो ग्लोबल संकेत है उसके बेसिस पर चलता है, सभी आंकड़ों को फॉलो करता है, रुपए में मजबूती आई तो रिएक्शन पॉजिटिव दिखाएगा, कमजोरी है तो वीकनेस दिखाएगा, लेकिन 12:30-1 बजे के बाद बाजार में धीरे 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 जो दिन भर की स्ट्रेंथ होती है वो खत्म होती चलती है। पिछले 4 दिन में 300 पॉइंट निफ्टी के ऐसे ही टूटे हैं। आप कैक डैक्स और फुटसी तीनों का आंकड़ा देखिए, सब शुरुआत का ये तो 0.5% से ज्यादा की मजबूती के साथ है। उम्मीद करते हैं कि बाजार के जो एक शॉर्टकट जो थोड़ा सा एक दबाव आया है ये शायद ऊपर आ जाएगा। इस बीच दीवान हाउसिंग इसके अंदर तेज गिरावट आई है, 22% इस समय नीचे आ चुका है, भारी गिरावट एक बार दीवान हाउसिंग के शेयर में आई है। एक बार जरा इंट्राडे चार्ट दिखाएं समित, इस पे कुछ कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट है क्या? ये एकदम से शेयर नीचे को आ गया 20-22%। उसकी अभी क्लैरिटी नहीं है, एक सडनली फॉल आया हुआ है उसमें, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा, जब तक तो क्लैरिटी नहीं है उस पर कोई कमेंट नहीं दे पाएंगे। कोई है सपोर्ट पास 20% नीचे, कोई आसपास की सपोर्ट? देखिए डिब्बी 460 के आसपास सपोर्ट है, बट ये फॉल कैसे आया वो पहले देखना पड़ेगा, उसका रीजन जानना पड़ेगा, तो ही उस पर कुछ कमेंट कर पाएंगे। ठीक है, 260 का एक सपोर्ट तो है, एक बार आप ध्यान रखिएगा, जिनके पास ये शेयर नहीं है तो एक बार उनको जरा देखना है, जिनके पास है उनको तो शायद करने के लिए कुछ ज्यादा ना भी मिले क्योंकि शेयर में अंदर गिरावट है, एवरेज करने से रुके क्योंकि जब तक खबर की क्लैरिटी नहीं आती, क्योंकि ये शेयर ऐसे नहीं टूटा, डेरिवेटिव्स का शेयर है ये, 20% तोड़ना इसको अपने आप में बड़ी बात है, इसलिए ये कहीं ना कहीं इसमें कोई बास्केट ट्रेड भी हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशनल सेलिंग का बड़ा ऑर्डर भी आ सकता है, कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्वेश्चन उठ सकता है, ऑडिट का क्वेश्चन उठ सकता है क्योंकि एनबीएफसी से जुड़ी हुई कंपनी है, प्रमोटर से जुड़ा हुआ कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। शेयर प्लेज तो टिपिकली होते हैं इनके, इन कंपनीज के भी हैं, अगर प्लेज हिट हुआ है मार्केट के अंदर तो उसका प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि इमीडिएट सेलिंग मार्केट के अंदर तब आती है। ये शेयर अब 24% नीचे आ रहा है, दिन के निचले स्तरों पर है, इसलिए ये 19-20% पे जो नोटिस किया गया था शेयर अभी 5% और नीचे रुकना चाहिए। आज आपको सुबह भी ध्यान होगा येस बैंक के अंदर 30% तक टूट गया था, तो भले ही वो डेरिवेटिव्स के शेयर है, क्वालिटी ठीक रहती हो, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के वाइल्ड स्विंग कई बार निवेशकों को एक किस्म से एक विंडफॉल लॉस जैसा भी हो जाता है, एक बार उससे रुकना चाहिए। दीवान हाउसिंग के अंदर अभी फिलहाल तो गिरावट, हाँ लेकिन 460 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो बता रहे थे हमको अभी समित, उसके भी नीचे एक बार शेयर आ गया है, एक बार इसको देखते हैं, अभी थोड़ा और सेटल हो जाने दीजिए, इन बिटवीन कोई खबर आया कुछ और इम्पोर्टेंट चीज आए तो हम आपके वाले सबसे पहले रखेंगे। इस बीच एक और कंपनी आप देखिए, इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस, एक्चुअली फाइनेंस एनबीएफसी के सारे शेयर ही इस समय थोड़ा कमजोर हो रहे हैं, आप दिखाइए एक बार जरा इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस, ये शेयर भी इस समय दिन के निचले स्तरों पर आके कामकाज कर रहा है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस भी जरा दिखाएं, क्या वहां पर भी कमजोरी है? यस, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस हालांकि परसेंटेज में उतने नहीं टूटे जितना दीवान हाउसिंग टूट गया, 25% नीचे है, बट ज्यादातर शेयर जो एनबीएफसी से जुड़े हुए हैं, हाउसिंग फाइनेंस से जुड़े, एक बार कैनफिन होम्स भी दिखाएं, एक बार
कैनफिन होम, ये शेयर भी ये शेयर भी दिन के निचले स्तरों पर, जो एनबीएफसी की पॉकेट एकदम से टूटी है। फिलहाल तो शायद ऐसा लग रहा है कि 25% पे एक बार दीवान हाउसिंग का शेयर रुक भी गया है, इस पे सर्किट की लिमिट हो सकती है दीवान हाउसिंग पे, क्योंकि अब बायर अगर होगा ही नहीं और सेल फ्रीज होगा तो फिर शायद एक बार ये शेयर रुकेगा भी, लेकिन एनबीएफसी शेयर के अंदर दबाव है। ठीक है, इन सब शेयरों पे तो हमारी नजर होगी, अभी हम जानेंगे इसमें एक्चुअली करना क्या है। 26% यस, और तेज गिरावट आ रही है, रुकिए जरा आप, इसमें कुछ नहीं अभी करना है। सिमी भावे इस बीच में